दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे आप किस तरीके से चालू कर सकते हैं, घर बैठे ही आपको चालू कर सकते हैं। इसको आपको सबसे पहले क्या करना होगा गूगल पे चालू करने के लिए, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर होगा, अगर आपका आईफोन एप्पल वाला फ़ोन है तो आप उसमें ऐप स्टोर होगा। तो इस पर सर्च करना है आपको गूगल पे। गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, खाली जी पे सर्च कर देंगे, जी पे नाम से सर्च कर देंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे जी पे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल लिख के आएगा, किस तरीके से आप ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 23 MB का ऐप है, ये कुछ सेकंड में आपका ही डाउनलोड हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो मिस ना करें और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो वेलकम टू गूगल पे आ गया लिख के, ये परमिशन कुछ मांगेगा, नोटिफिकेशन की अलाउ करना है आपको। यहाँ पे जो भी आपका बैंक में अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक है और अकाउंट नंबर पे लिंक है, वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है जिस नंबर से आपको गूगल पे चालू करना है। तो मैं वो नंबर डाल देता हूँ, डालने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आपको जिस ईमेल आईडी से आपको वो लॉगिन करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैंने ये ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ली है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा, आपका SMS आएगा तब जाके ये क्लियर होगा कि आपका ही ये है नहीं है। तो ये वेरीफाई हो चुका है फाइनली। अब आप इसमें अकाउंट अपना बैंक का ऐड करना चाहते हैं तो एक्टिव बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके जो भी बैंक अकाउंट होंगे यहाँ पे अपने ऐड करे होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। जिसको भी अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद अलाउ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कुछ परमिशन है वो अलाउ करनी है। ये परमिशन आपने अलाउ करनी है, यहाँ पे आपका ये वेरिफिकेशन नंबर हो जाएगा। कुछ सेकंड का काम है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ये रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ चुका है मेरे पास, ये देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों ये बैंक अकाउंट एक्टिव हो गया है। ये UPI रजिस्ट्रेशन है वही हो सकता है। सेम आप यहाँ से इसको आप यहाँ से स्कैन करने के बाद भी, ये अलाउ करने के बाद यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको नंबर पे आपको किसी भी अकाउंट पे पैसे डालना है तो नंबर से आपको यहाँ से पे करने हैं। किसी का भी नंबर आप यहाँ डाल के आप नंबर को अपने डाल देंगे तो यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर हो वो डालने के बाद, और जो नंबर यहाँ पे आ जाते हैं वो यहाँ पे नंबर सेव हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कराया अपने, सेव हो जाएगा। आप अपना यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, नीचे को आएंगे स्क्रॉल करके। तो मैं बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ आप किस तरीके से बैलेंस चेक करा जाता है यहाँ पे। तो बैलेंस चेक करने के लिए पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका ये जो बैलेंस है यहाँ